नमस्कार दर्शकों, आज हम जुलाई 2019 के कन्या राशि के फलादेश के विषय में वार्ता करने जा रहे हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद हो तो आप हमारे चैनल पाराशर ज्योतिर्विज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, बैल आइकॉन दबाइए तथा लाइक करके अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को देखकर कन्या राशि के जातकों को किस प्रकार कष्ट से इस महानिवृत्ति प्राप्त करनी चाहिए तथा क्या क्या लाभ हो सकते हैं इस विषय में जानकारी दीजिए। तो आइए हम वार्ता करते हैं कन्या राशि के जुलाई माह के फलादेश के विषय में। इस माह कन्या राशि के चतुर्थ स्थान पर शनि तथा केतु एक साथ धनु राशि में बैठे हुए हैं। बृहस्पति सप्तम दृष्टि से चंद्रमा तथा चंद्रमा बृहस्पति को सप्तम दृष्टि से देखते हुए और केंद्र स्थानों में स्थित एक दूसरे से होते हुए और कन्या राशि के पराक्रम और भाग्य स्थान में स्थित होते हुए एक विशिष्ट प्रकार का गज के सिंह योग बना रहे हैं। जहां गुरु मित्र राशि में स्थित है वहीं चंद्रमा उच्च की राशि में स्थित है। इस प्रकार यह एक विशेष फल को प्रदान करेगा, आपके पराक्रम से भाग्य को बना देगा। केवल एक विषय, दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रहों के नक्षत्रों में अवस्थित हैं, अर्थात बृहस्पति जहाँ ज्येष्ठा नक्षत्र में है वहीं चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है, जिसके कारण आप स्वयं ही अपने भाग्य का अवरोध खड़ा कर सकते हैं, अर्थात अपॉर्चुनिटी को त्याग सकते हैं। दशम स्थान में सूर्य शुक्र और राहु एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं तथा सूर्य राहु और शुक्र के मध्य अवस्थित है। ऐसी अवस्था में सूर्य दोनों ही ग्रहों को प्रबलता प्रदान करेगा। जहां शुक्र मिथुन राशि में स्थित सूर्य के साथ है अर्थात बुध के समान ही ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। नीच का मंगल एकादश स्थान पर बैठा हुआ है, साथ में बुध है, दोनों ग्रह एक ही नक्षत्र में स्थित हैं। बुध 8 अंश के हैं तो मंगल 5 अंश के हैं और दोनों का राशि स्वामी शनि है, नक्षत्र स्वामी शनि है, राशि स्वामी चंद्रमा है। नक्षत्र स्वामी शनि के अंतर्गत बुध और मंगल के बैठे होने से दोनों पीड़ित ग्रह हैं। यह निश्चित जान लें कि एक लाभ की अवस्थाएं बिल्कुल नहीं बन पाएंगी। कर्म कठोर करना होगा, परिश्रम पूर्ण करना होगा, परंतु लाभ प्रदर्शित नहीं हो रहा है। भूल कर भी जमीन जायदाद से संबंधित विषयों में निर्णय न लें, अर्थात यदि पुराना कोई विवाद चल रहा है उस पर वार्ता ही ना करें। वाहन खरीदना इस समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। जो कन्या राशि के जातक राजनेता हैं अथवा मीडिया के क्षेत्र से संबंध रखते हैं उनको इस महासफलता की आशा का त्याग कर कार्यों में कठोर परिश्रम करना चाहिए, भविष्य में आशा पूर्ण होगी। परंतु वर्तमान जुलाई माह में आप इस विषय में आशा ना रखें। गृहस्थ जीवन सुखमय होगा, धन बचाकर चलें, इस माह अतिरिक्त व्यय बिल्कुल ना करें। स्वास्थ्य के विषय में वार्ता करें तो वजन बढ़ने की वजह से समस्या हो सकती है अथवा अनचाहे सिम्टम्स शरीर में दिखाई दे सकते हैं। ऐसी समस्याएं जिनका प्रतिफल कुछ नहीं निकलता परंतु कष्ट प्रदान करती हैं, ऐसी स्थिति सामने आ सकती है। यदि इस माह आप समस्याओं से निवृत्ति चाहते हैं तो आप इन समस्याओं की निवृत्ति के लिए भगवान शंकर को दूध से स्नान कराइए, शनि मुद्रा का प्रतिदिन 11 मिनट अभ्यास कीजिए, वैदिक मंत्र ओम सन्नो देवी रविष्टया आपो भवंतु पीति ये संयो रवि सर्वंतुना का जाप प्रतिदिन 3 माला कीजिए, सुबह दोपहर शाम भी कर सकते हैं। और एक निर्गुंडी की जड़ी को धारण कीजिए, साथ में प्रतिदिन बाय विडंग का चूर्ण 5 ग्राम सामान्य जल से लें। यह आपको खोज प्रदान करेगा तथा ग्रहों से संबंधित होने वाली समस्याओं से भी निवृत्ति प्रदान करेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए इस माह एक विशिष्ट प्रयोग है। हल्दी की गांठ के साथ 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए,
आपको अवश्य इन समस्याओं से निवृत्ति प्राप्त।